मैं के लिए मेरा ये रिटेरेट स्टॉक रहेगा कैमलिन फाइन। कैमलिन फाइन में भी मैंने 145 के आसपास बाय करने की सलाह दी थी, अभी वापस एक बार रिटेरेट कर रहा हूँ 172 के आसपास। ये बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इसने भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद और डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट, ये दोनों पैटर्न्स एक साथ ब्रेकआउट दिए है। डिस्क्लोजर है कि हमने ये हमारे क्लाइंट्स को बाय करने के लिए कहा है नीचे में लगभग 120 के आसपास, और वापस आज सवेरे यानी कल के डे एंड के बेसिस पे। तो ये डिस्क्लेमर है, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 160 के आसपास का, और टारगेट्स मेरा मानना है कि अगर आप 4 से 6 महीने का वक्त देते हैं तो ये आराम से 275 के लेवल्स आपको इधर से देखने को मिलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है और चार्ट पैटर्न बेहतरीन है। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी बेहतरीन है। आपको याद होगा मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक को आपके लिए रेकमेंड किया था 70 के लेवल्स के आसपास। वहां से देखिए कैमलिन फाइन साइंसेस जबरदस्त तेजी आपको आती हुई दिख रही है। दीपांशु, मेरा 10 की कमाई का स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये करेक्शन पे 615-618 के अराउंड मिल जाए तो एकदम परफेक्ट दाम है एंट्री के लिए, और टेक्निकली लगता है कि रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रिवर्स काउंटडाउन शुरू हुआ है, मच अवेटेड एक बड़ा अपमूव, सब लोग इसमें वेट कर रहे हैं, तो उस बड़े अपमूव की लगता है मुझे शुरुआत होने वाली है। और 740-750 के टारगेट के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 10 की कमाई का स्टॉक, और करेक्शन पे अगर मिलता है तो बहुत बेहतरीन होगा। इसको बाय एंड होल्ड करते हैं तो ये लेवल्स मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, BSE लिमिटेड अनिल जी का चहिता स्टॉक है, कई बार आपके लिए रेकमेंड कर चुके हैं, बंसल जी को बहुत पसंद है, जैन साहब ने भी इसके बारे में चर्चा करी है। नजर रखिए 750 के लेवल्स के लिए, ये काउंटर आपको 10 की कमाई का आइडिया। तो 10 की कमाई के सारे आइडियाज आ गए हैं, पर शॉर्ट टर्म पिक्स लेनी है हमें आशीष जी से, सज्जन जी से, और साथ ही होम फर्स्ट फाइनेंस के मैनेजमेंट भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, नतीजों पर उनसे करेंगे बातचीत। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि कुछ नियर टर्म ट्रिगर्स हैं, लेकिन सेम कैटेगरी, यू नो व्हेन आई से सेम कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ the promoter action, the quality, it's actually a multinational from India, Polyplex. अब Polyplex जो है, जो pet film बनाती है, वो globally जो top 5 manufacturer उनमें से एक है। अनिल जी, शायद बहुत लोगों को ये अंदाजा नहीं है, 83 countries में operate करती है और अच्छी valuation पे stock system है और high growth segment है, बहुत ही strong balance sheet, बहुत ही strong promoter pedigree। अब ट्रिगर ये है अनिल जी, जो समझ में आया है कि एक जो प्रमोटर है वो एक मैनेजमेंट जो शिफ्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आई थिंक जिस तरीके की वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये डील बहुत अच्छे लेवल्स पे होती है, क्योंकि एक हाई क्वालिटी स्टॉक है और एक उम्दा मैनेजमेंट इसको इसमें भागीदार बनती है। तो उस हिसाब से अनिल जी पॉलीप्लेक्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक नियर टर्म ट्रिगर है, जल्दी मूव दिखा सकता है, इसलिए मेरे को शॉर्ट टर्म में लेना पड़ा। अदरवाइज बहुत ही अच्छा काउंटर, और जो जिस तरह की मैनेजमेंट्स के साथ बात चल रही है और अगर वो आते हैं तो ये स्टॉक में भी 2000 तक जाने का दम है, और आप रखेंगे तो जरूर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 1400-1500 इमीडिएटली दिखा सकता है जैसे ही ये कार्रवाई पूरी होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि स्टॉक बहुत अपने करेक्ट वैल्यू से इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से, और ये वाले न्यूज करके ये 1500-1600 तक के भी स्तर दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पॉलीप्लेक्स पर आए 1400-1500 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स, और 2000 लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए आपको रखने होंगे टारगेट्स, यहाँ पर करनी है खरीदारी। निफ्टी में अदानी पोर्ट्स के नतीजे आ रहे हैं, पर साथ ही हम इंतजार कर रहे हैं वायदा कारोबार में ढेरों नतीजों का, जिसमें अलेम्बिक फार्मा पर नजर है। थोड़ी देर पहले अच्छी रैली इस पर आपको आती हुई दिख रही थी। देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए किस तरह के रह सकते हैं नतीजे। देवांशी बताइए। बिल्कुल, इस बार आप देखिए जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वहां से काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिख सकता है एलेम्बिक फार्मा को। तो कुल मिला के इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो करीब 8% से लेकर 9% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो मुनाफा है उसमें भी 8% तक की बढ़त आती हुई दिखेगी, लेकिन मार्जिन इस बार थोड़े से कम होने का चांसेस जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। 26.5% के आसपास आ सकते हैं 27% से घटकर, और कामकाज मुनाफा भी इस बार करीब 6-7% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए इस बार जैसे कि हम कह रहे हैं कि उनकी जो अक्यूट थेरेपी सेगमेंट है वहां पर अच्छी रिकवरी
रही होती हुई दिखेगी और वहां से जो आय है और मुनाफा है इसको सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा और जो उनके दूसरे दवा है उनकी बिक्री में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखेगी और इसके चलते मार्जिन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार जो यूएस में जो प्राइजेस में बदलाव होते हुए दिखे उसके चलते हेलिबिक फार्मा पर क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखता है। लेकिन नजर रहेगी कि जो एपीआई सेगमेंट है उसके लिए जो पीएलआई स्कीम है उस पर क्या अपडेट्स मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं और जो कैंसर की दवा है वो यूएस में कब लॉन्च करने की योजना कंपनी की तरफ से बन रही है। लेकिन जो सहारा मिलता हुआ दिखेगा वो डोमेस्टिक मार्केट से जरूर मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां से 10% से अधिक की ग्रोथ देखने का अनुमान है। एपीआई सेगमेंट में 20% से ज्यादा की ग्रोथ देखने मिल सकती है। यूएस सेगमेंट पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर एलिम्बिक फार्मा के जो नतीजे वो अच्छे आ सकते हैं। ओके, तो एलिम्बिक फार्मा कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नतीजे इनके अच्छे ही आ सकते हैं। आज सुबह काउंटर मूवमेंट भी थोड़ा दिखा रहा था। सचिन जी, एलिम्बिक फार्मा पर कोई राय? 1000 के लेवल्स पर आज सुबह आते हुए दिखा था, टेक्निकली कोई राय इस काउंटर पर? दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस है, मुझे लग रहा है 950-965 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है एंड जिस तरीके से ये कंसोलिडेशन हुआ है लगभग 1000 का लेवल जैसे ही निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होनी चाहिए। सो लगभग 1120 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 960 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल मेंटेन्ड है मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है वो बरकरार रहनी चाहिए एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मोमेंटम काफी तेज होगा। ओके, तो ये है एलिम्बिक फार्मा जिसके आने वाले हैं आज नतीजे और नतीजों के हिसाब से आपको दिखेगा एक्शन।